हेलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक आर्टिकल्स पेज नंबर थर्टी वन ओके आर्टिकल्स आपको पता है हम पहले भी कर चुके हैं कौन कौन से होते हैं आर्टिकल्स अ एन एंड द या दी टी एच ई को द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं अभी अपने ये भी देखेंगे कि कब इसको द बोला जाता है और कब दी बोला जाता है तो पहले अपने देखते हैं वी यूज़ वर्ड्स लाइक अ एन एंड द बिफोर नाउन्स कहाँ यूज़ करते हैं इनको नाउन से पहले डू यू नो वट दे आर कॉल्ड दीज वर्ड्स अ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स ओके वी यूज़ अ और एन टू टॉक अबाउट थिंग्स विच कैन बी काउंट अ और एन किसके साथ यूज़ किए जाते हैं उन चीज़ों के साथ जिनको हम काउंट कर सकते हैं वी यूज़ एन बिफोर अ नाउन विच स्टार्ट विद अ वाल साउंड एन किससे पहले कौन से नाउन के पहले यूज़ करते हैं जिसकी साउंड वॉल से स्टार्ट होती।, होती है वॉल साउंडस होती हैं अंग आह जो अपने हिंदी में स्वर पढ़ते हैं ना ये वही वली ही साउंड हैं जब ये वाली आवाज़ आती है तभी हम एन का यूज़ करते हैं अदरवाइज अगर बाकी कॉन्सोनेंट किसी भी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम अ यूज़ करते हैं ओके वी यूज़ अ बिफोर अ नाउन विच स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ द इफ़ वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर नाउन किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में जब बात होती है तब हम यूज़ करते हैं द फॉर एग्जाम्पल for words starting with a consonant sound example a bottle a chair or n ka example an elephant an ink pot samajh pa rahe hai na ink pot e ki awaaz aa rahi hai elephant a ki awaaz aa rahi hai to hum use karte hain an फिर अभी हमें learn करना है कि वे आर टू यूज़ द और दी अच्छा पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं इसको है ना देखा है ना कई बार तो कोई द बोलता है इसको कोई दी बोलता है स्पेलिंग तो सेम होते हैं लेकिन इस फिर भी इसमें डिफरेंस होता है तो द और दी में भी वही डिफरेंस होता है जैसे अ और एन में है मीनिंग तो दोनों का ये एक होता है लेकिन अ कब यूज़ होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है ऐसे ही द कब बोला, जात जा. बोला जाता है जब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है और दी कब बोला जाता है जब वॉल साउंड से पहले आता है लाइक दी एंड दी अर्थ ओके तब हम दी बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर टी एच ई बोला जाता है तो वो द बोला जाता है जब कोई मूवी एंड होती है तो लास्ट में लिखा हुआ आता है ना दी एंड बोलते हैं अपने हमेशा उसको कभी द एंड नहीं बोलते उसको दी एंड ही बोलते हैं क्योंकि एंड की जो साउंड है वो वॉल साउंड है ओके okay? चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं कि द यदि को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं तो पहले तो है ग्रेट एंड सेक्रेट बुक्स जो अपनी महान पुस्तकें हैं लाइक द बाइबल द महाभारत द रामायण द गीता ऐसे जो अपनी बुक्स हैं उनके पहले हम द यूज़ करते हैं सिंगल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में पूरी दुनिया में एक ही हैं लाइक like द सन द मून द अर्थ ओके तो इनके लिए भी हम लोग द या दी यूज़ करते हैं अ या एन यूज़ नहीं करते माउंटेन रेंजेज ऑशंस सी प्लेन रिवर्स ग्रुप्स ऑफ आइलैंड वेल नॉन ट्रेन्स हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस शिप्स रोड्स इन सब के लिए भी हम द यूज़ करते हैं जैसे द हिमालज द गोदावरी द ताजमहल द राजधानी ट्रेन ठीक है इन सब के लिए हम द को यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजींस कोई भी न्यूज़पेपर का नेम है तो उसके लिए जैसे द ट्रिब्यून द हिंदुस्तान टाइम्स द हिंदू ये न्यूज़पेपर्स के या मैगजींस के नेम है उसके लिए भी द यूज़ होता है फिजिकल पोजीशन मतलब कोई चीज़ कहाँ पे है ऑर्डिनल नंबर्स भी होते हैं जैसे

गवर्नमेंट के जो भी ऑफिस के नेम्स होते हैं उनसे पहले द एजुकेशन डिपार्टमेंट द जनरल पोस्ट ऑफिस तो इसके इससे पहले भी आपने क्या यूज किया द ओके okay. फिर ऑर्डिनल नंबर्स द फर्स्ट द थर्ड ओके हिस्टोरिकल इवेंट्स मूवमेंट्स और पीरियड्स मुगल एम्पायर तो इसके लिए हमने क्या लगाया द मुगल एम्पायर द क्विट इंडिया मूवमेंट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में हमने समझा था एडजेक्टिव में जब भी अपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं द बेस्ट द हाइस्ट ओके और पर्टिकुलर नाउन जिस भी नाउन किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात हो रही होती है तब अपने द यूज़ करते हैं द बॉय द डॉक्टर ओके अब अपने एक्सरसाइज करके देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स फर्स्ट डैश बॉय वॉज वाटरिंग द प्लांट्स वेन आई रीच देआर देखो बॉय से पहले अपने क्या यूज़ कर सकते हैं पहले माइन्यूटली अपने को सिचुएशन और सेंटेंस को रीड करना होता है फिर अपने फिल करते हैं अपने पास तीन ऑप्शन हैं अ एन और द तो अपने सबसे पहले चेक करते हैं कि अ यूज़ कर सकते हैं बॉय है कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ यूज हो सकता है एन यूज़ हो सकता है क्या एन बॉय नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है ओके तो ऑप्शन है अभी अपने पास टू अ और द है अ यूज करें या द यूज़ करें देखो द के लिए अपने को सारी सिचुएशंस बताई हैं कोई ये फेमस बिल्डिंग uh, नहीं है बॉय कोई फेमस अपनी कोई बुक नहीं है कोई ट्रेन का नाम नहीं है कोई बॉडी पार्ट नहीं है तो अपने द यूज़ नहीं कर सकते फिर अपने को देखना है कि ये कोई पर्टिकुलर बॉय है क्या पर्टिकुलर नाउन है क्या पर्टिकुलर नाउन होते हैं जिसके बारे में अपने को पहले से पता हो तो ऐसा तो कुछ नहीं है इस सेंटेंस में क्या बताया बॉय वॉज वाटरिंग द प्लांट्स वेन आई रीच देयर जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक लड़का पौधों को पानी दे रहा था वो लड़का कोई पर्टिकुलर लड़का तो नहीं था कि वही लड़का रोज पानी देता है या जिसको मैंने बोला था कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं कहा तो क्या ये कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगी यस अ बॉय वॉज वाटरिंग द प्लांट्स वेन आई रीच देयर देखिए पर्टिकुलर कैसे समझ सकते हो आप जैसे एक सिचुएशन समझते हैं कि आप घर पर बैठे हो आपके पास आपके मम्मी पापा हैं तो डोर नोक होता है आपका आप बाहर देखने के लिए जाते हो कि कौन आया है तो एक लड़का था वहाँ पर हु? तो आपने अंदर आके बोला वो लड़का कहता है कि मुझे आपके पापा से काम है तो मैं उनसे मिलने आया हूँ तो आप अंदर आते हो वापस अपने घर के तो पापा को बोलते हो कि पापा बाहर एक लड़का आया है वो उसको आपसे मिलना है क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो तो आप यही बोलोगे ना कि बाहर एक लड़का आया है उसको आपसे मिलना है उसको आपसे काम है या बोलोगे कि बाहर कोई लड़का आया है उसको आपसे काम है और एक दूसरी सिचुएशन अपने समझते हैं कि आप घर पे हो आपके पापा आपको बताते हैं कि एक लड़का आएगा मेरे से मिलने के लिए और उसको आ, जब वो आए तो वो मेरे पास उसको बुला देना या मुझे बता देना मैं उससे मिल लूँगा तो थोड़ी देर बाद गेट नोक होता है आप देखने जाते हैं तो बाहर एक लड़का आया होता है तो आप अंदर आके क्या बताओगे पापा को यही बोलोगे ना वो वाला लड़का आया है क्योंकि आपको उससे उसके लड़के के बारे में पहले से पता है तो वो पर्टिकुलर हो गया आप यहाँ पे हाँ आपके लिए अननोन नहीं रहा आपके लिए वो पर्टिकुलर हो गया कि वही वाला लड़का आया है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे जिसके बारे में आपने बात करी थी तो अपने यहाँ पे क्या बोलेंगे द बॉय यहाँ पे बॉय के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा द बॉय क्योंकि अब ये पर्टिकुलर बॉय है जिसके बारे में आपको पहले से पता है ओके okay? सिचुएशन समझ में आई आपको अ बॉय और द बॉय के बीच में क्या डिफरेंस है अब यहाँ पे अपन जैसे ये कंडीशन है कि एक लड़का पानी दे रहा था तो आपको पहले से तो नहीं पता ना कि वो कौन सा लड़का पानी दे रहा था इसलिए अ बॉय यूज़ होगा द बॉय यूज़ नहीं होगा वॉय डोंट यू टेक डैश अम्ब्रेला एज इट वॉज इट्स वेरी हॉट अम्ब्रेला के साथ अब क्या यूज़ करेंगे अ और एन एंड गड दो विच ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन ऑनेस्ट के साथ देखिए साउंड पे ध्यान देना है आपको ऑनेस्ट ओ की आवाज़ आ रही है वाउल साउंड है अम्ब्रेला वाउल साउंड है डैश बुक्स विच वी वॉन्ट आर अवेलेबल इन इन कोटी बुक्स विच वी वॉन्ट आर अवेलेबल इन कोटी डैश बुक्स विच यू वॉन्ट आर अवेलेबल इन कोटी तो बुक्स कौन सी बुक्स जो आप चाहते थे तो पर्टिकुलर बुक्स की बात हो रही है तो द बुक्स डैश गंगज इज़ अ सेक्रेट रिवर ऑफ इंडिया तो रिवर की बात हो रही है दू विल यूज द सेकिन चूज द करेक्ट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स दिस इज डैश चीपेस्ट बुक अवेलेबल इन दिस शॉप चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ करेंगे द द चीपेस्ट बुक डैश अर्थ रिवॉल्वस राउंड द सन अर्थ अर्थ सिंगल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट तो यूल यूज द दी अर्थ ओके ही वॉज नॉट एबल टू प्ले डैश गिटार गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द गिटार मिस्टर जॉन बिकेम डैश चेयरमैन पर्टिकुलर जॉब द चेयरमैन माई मदर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल की अभी तक मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज्ड ही हैं ओके नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग लेटर राइटिंग देखिए बुक में आपके सारा कंटेंट दिया हुआ है सिर्फ आपको इसमें क्या लिखना है डेट मेंशन करनी है ओके आफ्टर दैट अपने टीचर का नेम जिसको आप ये एप्लीकेशन दे रहे हो ये एप्लीकेशन है आपकी कि आप आ, आपको फीवर है और आपको स्कूल से लीव चाहिए तो स्कूल में एप्लीकेशन देनी है आपको ओके okay? तो उसके रिगार्डिंग सबसे ऊपर क्या लिखना है डेट देन फिर अपने टीचर का नेम जिसको आप लेटर लिख रहे हो एप्लीकेशन लिख रहे हो कौन सी क्लास में आप रीड करते हो क्लास लिखेंगे और अपने स्कूल का नेम लिखेंगे अपने सिटी का नेम लिखेंगे ओके फिर सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन मतलब छुट्टी के लिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो डियर मैम और सर तो डियर मैम ही लिखेंगे आप यहाँ पे एज़ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ई आर फीवर आई एम अनएबल टू अटेंड माई so सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज फ्रॉम टूडे sincerely, आपका नाम लिखेंगे यहाँ पे तो ये आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीट हो जाती है आपको इस कंटेंट को सारे को यहाँ पे भी कंप्लीट करना है और अपनी नोटबुक में भी राइट करना है और नोटबुक में राइट करते हुए ध्यान रखना है कि जो जो कुछ भी ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वो आपको ये ब्रैकेट वाला कंटेंट नहीं लिखना है जैसे कि डेट तो आपको डेट ब्रैकेट में नहीं लिखनी सिर्फ जो आज की डेट है लाइक ट्वेल्व अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी लिखना है उसके आगे डी ए टी ई डेट नहीं लिखनी ओके दो बार लिखा हुआ है ना जो ब्रैकेट में लिखा है वो आप हटा देंगे ऐसे ही मिसेज टीचर का नेम लिख देंगे और उसके बाद जो ब्रैकेट में नेम ऑफ द टीचर लिखा है वो आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे समझ गए ऐसे ही आ, आज़ आई एम सफरिंग from फीवर फीवर आपने लिख दिया है तो उसके बाद ब्रैकेट में मेडिकल कंडीशन नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको ओके okay? आपको ये एप्लीकेशन नोटबुक में भी करनी है और बुक में भी करनी है अच्छे से इसको लर्न करिए कल अपने ये जो टॉपिक्स अभी हमने कवर करे हैं वो कल उसका अपने टेस्ट लेंगे ओके गुड बाय